नमस्कार साथियों, आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि आपका प्यार बहुत अधिक मिला और हमारे 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके हैं और दर्शक तो बहुत काफ़ी हैं। जो व्यूज हमने गिनती किया है वो अप्रॉक्सीमेटली बहुत अधिक है। तो ये आपका प्यार है और हमें बराबर यूं ही प्यार देते रहें और आपके कमेंट बड़े प्यारे प्यारे हैं जो मैं पढ़ता हूं तो मन ही मन बहुत खुश होता हूं। क्या क्या लिखते हैं आप लोग, लिखते हैं आप बहुत महान हैं, बहुत ग्रेट हैं। ऐसा तो कोई बड़ा काम मैं नहीं किया हूं अभी तक, बट मैं बड़ा काम करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्या कर सकता हूं अपने इंडस्ट्री के लिए, क्या ऐसा कुछ कर दूं कि गरीब हो, लाचार हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, सभी की तरक्की हो, सभी आगे बढ़ें, सभी विकास करें, सभी अपने को समृद्धशाली समझें ताकि उसका परिवार, उसका बच्चा, उसका फैमिली आगे बढ़े। इसके लिए मैं निरंतर कोशिश करता रहता हूँ साथियों, और जब आपका कमेंट पढ़ता हूँ और आपके कमेंट हमें काफ़ी खुशियाँ देते हैं। यूं ही प्यार बनाए रखें और आज हम बात करेंगे एक ऐसे तक पे साथियों, जीरो से हीरो बनने की कहानी। ये कैसे पॉसिबल है साथियों, जीरो से हीरो कैसे बना जा सकता है, हाउ कैन इट पॉसिबल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति बहुत ही गरीब घर में जन्म लेता है, उसका लालन पालन भी बहुत गरीबी में होता है और आगे चल करके वो बहुत बड़ा नामचीन बंदा बन जाता है, हाउ कैन इट पॉसिबल साथियों। क्या आपने कभी इस विषय पे गौर किया? अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इंसान के जीरो से हीरो बनने में सबसे बड़ा जो स्थान है वो है उसकी पॉजिटिव सोच। अगर समंदर के अंदर एक बंदे को बिठा दिया जाए और बोला जाए कि आप भाई जापान चले जाओ, बिना नक्शे के, बिना हिम्मत के, वो कभी भी इतने विशाल समंदर में जहाज चलाकर नहीं जा सकता। एक पायलट जो जहाज चलाता है, जो एयरक्राफ्ट को उड़ा करके कई हजार किलोमीटर ऊपर जहाज को ले जाता है, आप जरा सोचना कि उसके अंदर कितना बड़ा कलेजा होगा। यानी उसकी सोच कि नहीं, मैं इस जहाज को उड़ाऊंगा तो मैं उस निश्चित सीमा तक, उस निश्चित मुकाम पर जरूर पहुंचूंगा। यानी कि उसके अंदर का जोश, उसके अंदर का जो पॉजिटिवनेस है, वही उसको प्रेरणा देता है साथियों इतना बड़ा काम करने के लिए। कहीं आपने देखा होगा जब हम पहली बार मोटरसाइकिल पे चढ़ते हैं तो हम पसीने पसीने हो जाते हैं कि कैसे चलाएंगे, कैसे हम कार में बैठते हैं फर्स्ट टाइम तो कहीं भी हम इतना डर जाते हैं कि कैसे क्या करें कि कार आगे बढ़े। अब जो आदमी रेल चलाता है साथियों, जो आदमी एयरक्राफ्ट चलाता है, जो आदमी शिप चलाता है पानी की, वो कितना बड़ा कलेजा वाला है। ये सब ट्रेनिंग का असर है साथियों और एक पॉजिटिव सोच का असर है। जरा आप ध्यान देना कि पॉजिटिव सोच वाले ही आप अगर अध्ययन करेंगे साथियों तो पाएंगे कि जिन्होंने भी नाम किया है, जिन्होंने भी बड़े काम किए हैं, आगे की तरक्की की है, वो सारे पॉजिटिव थिंकर है। निगेटिव थिंकर कभी भी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। काम कोई दुनिया में छोटा होता ही नहीं है, चाहे वो कोई भी काम, हर काम में तरक्की है, हर काम में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यानी कि आप कोई भी काम, कोई भी रास्ता आप पकड़ लें, उस पर निरंतर चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, रुकना नहीं है, आपको आपकी मंजिल दिखाई देने लगेगी। डेफिनेटली यू विल अचीव द टारगेट इन द फ्यूचर। अगर आप चलना बंद कर देंगे उसी दिन आपका रास्ता बंद हो जाएगा सर। काम कोई भी शुरू करें, पूरे दिल दिमाग से शुरू करें कि नहीं, मैं इस काम को शुरू कर रहा हूं तो मैं अनंत मुकाम पे जरूर पहुंचूंगा। देखना साथियों, आप चलते रहेंगे, आप चलते रहेंगे, कारवा बनता रहेगा, लोग आपको हेल्प करते रहेंगे और आप लास्ट में अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे।
ऐसे हजारों प्रमाण में अपनी बैक वीडियो में दे चुका हूं और अभी भी चाहो तो आप हजारों प्रमाण पत्र में दे सकता हूं। जिन्होंने जीरो से स्टार्टिंग करी और आज बहुत बड़े हीरो हैं, वर्ल्ड में नाम है उनका, इंडिया में नाम है उनका, प्रांत में नाम है उनका, गांव में नाम है उनका, हजारों लोग ऐसे जन्म लिए साथियों जिन्होंने अपना जीरो से करियर स्टार्ट किया, जीरो से काम स्टार्ट किया और बहुत बड़े हीरो बन गए। यानी कि उन्होंने क्या किया साथियों, उन्होंने निरंतर चलने का प्रयास किया, बिना रुके बिना थके वो निरंतर चलते गए चलते गए चलते गए, लोग मिलते गए, लोग सपोर्ट करते गए और वो निरंतर मुकाम पे पहुंच ही गए। जिस दिन आपके मन में ये आ जाएगा कि नहीं अरे भाई मेरे को तो किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, कोई किसी का सपोर्ट क्यों करेगा, जरा सोचना, आप अपनी सपोर्ट खुद करेंगे तब दुनिया वाले आपकी सपोर्ट करेंगे, पहले आप खुद को सपोर्ट करें, यानी अपने आप को सपोर्ट करना सीखें। और अपने आप को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, किताबों के द्वारा, वीडियो, अच्छी वीडियो के द्वारा, गूगल के द्वारा, अच्छे लोगों से मित्रता के द्वारा, अच्छे सत्संग में जा करके, अच्छे लोगों से बात करके। जब आप ये प्रक्रिया शुरू करेंगे ये चीजें, तो आप एक न एक दिन जरूर पॉजिटिव हो जाएंगे और जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपका रास्ता खुल जाएगा साथियों, यानी आगे बढ़ने की प्रक्रिया वहीं से स्टार्ट हो जाएगी साथियों, जब आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे। और पॉजिटिवनेस इंसान को अनंत चरम सीमा तक ले जा सकती है। निगेटिविटी यानी थोड़ा सा कुछ हो गया, हम निगेटिव हो गए, अरे छोड़ो क्या करना है, नहीं कुछ नहीं हो सकता, ये निगेटिव बातें साथियों इंसान को कभी भी आगे जाने से रोकती हैं। इसलिए निरंतर पॉजिटिव सोचें, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें, निरंतर अपनी मंजिल को अचीव करने का प्रयास करें, आपकी मंजिल दिखाई देने लगेगी, गारंटी। हमेशा आदमी छोटे से बड़ा बनता है साथियों, आपने देखा होगा कभी भी बिल्डिंग बनती है, जहाज बनती है, ट्रेन बनती है, मोटर कार बनती है, एकदम से बन के नहीं खड़ी हो जाती, धीरे धीरे पहले ढांचा बनता है, फिर उसमें और कुछ बनता है, फिर इंजन फिट होता है, फिर उसका ऊपरी वातावरण ऊपरी आकार बनाया जाता है, देन आफ्टर वो एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। इसी प्रकार से साथियों आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो पहले परेशानी जरूर आएगी, परेशानी से घबराइए नहीं, उस पे निरंतर प्रयास करें आगे बढ़ने का, आप डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे। यूं ही आप जो है कोशिश एक बार करके देखें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, किताबें निरंतर आपको प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छी वीडियो देखें आप, वो भी आपको प्रेरित करती है, गूगल पे सर्च करें आप, अच्छे लोगों की मित्रता करें आप, अच्छी सत्संग में जाना शुरू करें आप, डेफिनेटली आप तरक्की कर जाएंगे। साथियों अभी समय ज्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए इस वजह से मैं इसको यही समाप्त करता हूं और फिर से आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया और यूं ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच साथियों।